हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विगीज किचन। आज हम बनाएंगे तिरंगा पुलाव। तिरंगा पुलाव बनाने के लिए मैंने 2 कप चावल को अच्छे से बॉईल कर लिया है और उन्हें ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 3 इक्वल पार्ट्स में हमने चावल को डिवाइड कर दिया है और मैंने यहाँ पर ये पालक की प्यूरी तैयार करी है। पालक की प्यूरी तैयार करना आप मेरे पालक पनीर वाले वीडियोस में भी देख सकते हैं। इसमें मैंने पालक को अच्छे से धो के ब्लांच कर लिया, फिर इसमें अदरक और लहसुन डाल के इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। और मैंने यहाँ पर तैयार करी है ये टोमेटो प्यूरी। इसके लिए मैंने 2-3 टमाटर लिए थे, इसमें भी मैंने अदरक और लहसुन डाल के इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ खड़े मसाले। इसमें मैंने ली है 3 दालचीनी, 3 चक्री फूल, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग और ये जावित्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और मैंने लिया है गरम मसाला, नमक स्वादानुसार और मैंने ली है टोमेटो केचप और घी। चलिए फिर हम तिरंगा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। चलिए गैस जला लेते हैं और कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी। अब इसमें डालेंगे खड़े मसाले, थोड़ा सा जीरा। अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी, अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। अब इसे ढक देंगे और 5 मिनट कुक होने देंगे। चलिए अब टमाटर को चेक कर लेते हैं। इसे हाई फ्लेम करके थोड़ी देर चला लेंगे। गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और डालेंगे इसमें थोड़ी सी टोमेटो केचप। इसे मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 चम्मच। इसे भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें बॉईल किए हुए राइस मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस बंद कर देंगे। अब हम एक ऐसे बाउल लेंगे, आप कोई भी स्टील का बाउल या कोई भी बाउल ले सकते हैं। अब इसमें हम अपनी पहली लेयर सेट करेंगे। मुझे लगता है कि इसमें 2 ही लेयर सेट हो पाएगी, इसलिए मैं एक बड़ा बाउल यहाँ पे यूज कर रही हूँ। दैट्स परफेक्ट। अब हमारी 1 लेयर सेट हो गई है, अब हमें बाकी की 2 लेयर और सेट करनी है। चलिए अब दूसरी लेयर के लिए हम वापस से डालेंगे कढ़ाई में 1 चम्मच घी और इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जीरा। जीरा जैसे ही तड़कने लग जाए हम ऐड करेंगे बॉईल करे हुए चावल और इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 चम्मच नमक, थोड़ा सा गरम मसाला चलिए हमारी सेकंड लेयर भी तैयार हो गई है। गैस बंद कर लेते हैं। चलिए अब हम अपनी सेकंड लेयर इसमें लगा देते हैं। इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं इवनली। चलिए हमारी सेकंड लेयर भी रेडी हो गई है, अब हम अपनी थर्ड लेयर भी रेडी कर देते हैं। कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी, अब खड़े मसाले डाल देंगे और डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा तड़कने पे डाल देंगे इसमें पालक प्यूरी। और इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग।
आप चाहें तो पालक के साथ में धनिया और पुदीना को भी पीस सकते हैं, उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आएगा पुलाव में। अब इसे ढक करके 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। गैस की फ्लेम हाई कर लेंगे और इसे एक बार चला लेंगे। चलिए अब इसमें चावल मिक्स कर देते हैं। जितना ये देखने में सुंदर लगता है उतना ही ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि आपको 3 फ्लेवर एक साथ मिलते हैं इसमें। चलिए गैस बंद कर लेते हैं, हमारी 3rd लेयर भी रेडी है। चलिए अब हम इसे भी स्प्रेड कर देते हैं इसके ऊपर। तिरंगा पुलाव इज रेडी, सो लेट इट कूल फॉर 2 मिनट्स। हमारा तिरंगा पुलाव रेडी हो गया है, इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। चलिए 2 मिनट हो गए हैं, अब हम एक प्लेट लेंगे और इसको इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और अब हमें बड़ी सावधानी से इसको इसके ऊपर पलटना है। नीचे से अपना हाथ पहले इसके ऊपर रख लें और फिर ऊपर से। अब हमें ऐसे इसको पलट देना है और अब हम इसे बड़ी सावधानी से निकालेंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये 3 लेयर हमारी अच्छे से दिख रही हैं। हम सभी अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, तो ये आज की रेसिपी देश के नाम। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।